आज हमने तलावत शुरू करनी है सोने से पहले तलावत तो आज में बड़ी है तो चंद सत्रें पढ़ के उसके बाद फिर तर्जमा शुरू कर देंगे, इसलिए अब यहाँ से करते हैं उनसठ से। रबुक गफूर रहमान है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا اس سے پہلے کہ اس کا ترجمہ شروع کریں کچھ کل کا یا پچھلی دفعہ کا بچا ہوا काम है जो पेश होने वाला है। मैंने ये सोचा था कि हो सकता है कि अगर नहवी तरकीब इजाज़त दे तो कानल इंसान अक्सर शैन जदला का ये तर्जुमा भी किया जा सके, और यकीनन इंसान या इंसान अक्सर चीज़ों में झगड़ालू है। इस सिलसिले में जो नहवी तरकीब मुकर्रम इमाम साहिब की बेगम ने पेश फरमाई थी वो दुरुस्त है, सिर्फ उसमें जदला की हैसियत की बहस बाकी थी। उनके नज़दीक कानल इंसान अक्सर शैन, इंसान अक्सर चीज़ों में चूँकि मुजाफिला है इसलिए अक्सर चीज़ों में इंसान है कुछ, वो क्या है? जदलन। अब सवाल ये है कि जदलन में जदलन की क्या हैसियत है, क्या ख़बरें काना है या इसकी कोई और हैसियत है? मेरे नज़दीक इस तरकीब में जो कांता बेगम साहब ने बयान की थी इसमें कानल इंसानों अक्सर शैन, इसमें वो जो काना है वो क्या कहते हैं उसको, जो अपना मज़मून पूरा अपने अंदर रखता है उसकी खबर की जरूरत नहीं रहती। ताम है काना एक और ताम और नक्षत्र अभी बताता हूँ। अक्सर शैन जदलन में अगर इसको खबर करा दिया जाए तो काना की खबर मंसूब होती है, इसमें शक नहीं। और अक्सर शैन की हैसियत फिर क्या होगी? अगर फी होता इसको मुतल्लक खबर कहा जा सकता था, इसलिए ये जो मज़मून है इसमें मेरा रुझान इस तरह था कि कानल इंसानों अक्सर शैन जदलन में तमीज़ है और इंसान अक्सर चीज़ों में कुछ है, जो भी है वो जदलन है, मगर वो भी पूरी तरह बात पर पूरी तरह जमती नहीं। सवाल ये इसका इसकी खबर क्या है पहले ये निकालना चाहिए। क्यों मोहम्मद साहब?
खबर महजूफ है वो तो जी, खबर तो जो पहला तर्जमा उन्होंने किया था उसमें तो वाज़ह हो गई, उसमें तो वाज़ह हो जाती है जी। इसकी मैं बात कर रहा हूँ जो दूसरा तर्जमा, इस तर्जमे में जो आमद जो मारूफ है, बल्कि तमाम जितने भी मुफस्सिरीन या तर्जमा करने वाले हैं उन्होंने महज एक ही तर्जमा पेश किया है जी, कि इंसान सब चीज़ों से बढ़कर झगड़ालू है जी। इंसान सब चीज़ों से बढ़कर झगड़ालू है, तो इंसान झगड़ालू है इसकी खबर बनेगी ना फिर जी। कानल इंसान हो जदलन है, एक कानल इंसान हो अक्सर शैन जदल, जो हजूर ने फरमाया जदल तमीज बना के, तो अक्सर शैन इंसान हर चीज से ज्यादा, तो मुझे सही लग रहा है बिल्कुल जी। लेकिन फिर इसकी खबर क्या होगी अक्सर वो तमीज है, अक्सर शैन खबर बनेगा नहीं जो हुजूर ने पहला तर्जमा, तो वो किस तरह तर्जमा करके दिखाएं चलें, इंसान हर चीज से ज्यादा है मानना पड़ेगा इसमें, बात मुकम्मल हो गई जी, बात मुकम्मल। किस बात बारे में ज्यादा तमीज है, फिर तमीज बनती है जी, ठीक है, मगर अक्सर शैन को फिर खबर मानना पड़ेगा जी, जी, जी। क्योंकि अक्सर शैन में मुझे समझ में लगता था कि इसमें मुतल्लक खबर का माना ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए मैं उसको दूसरा तर्जमा करता था अक्सर शैन जदलन। इस सूरत में कानल इंसान जदलन होगा, अक्सर शैन का मतलब होगा फी अक्सर शैन, ठीक है ना जी, ये उन्होंने दूसरा माना, ये दूसरा माना जो है इसके मुतल्लक, क्योंकि मुझे इसकी लुगवी तरकीब का ख्याल समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो सकती है और क्या पिछले उलमा ने इसको कबूल किया है कि नहीं, जहाँ तक लुगवी तरकीब का ताल्लुक है किसी पहलू से भी इस पर एतराज़ नहीं हो सकता, अरबी ग्रामिक रू से बिल्कुल जायज़ है कि यह तर्जमा किया जाए कि यहाँ अक्सरा से पहले फ़ी महजूफ़ है, और क़ुरान करीम में मोमिन साहब ने इसकी मिसालें निकाली हैं, दूसरी मिसालें भी हैं और क़ुरान के अलावा भी ये मिसालें मिलती हैं। तो पहले तो इसकी उलगी बहस जो मोमिन साहब ने उठाई है और हवालों से उसको साबित किया है वो ये आपके सामने रखता हूँ। इस अमल को इस्तिलाहन मनसूबन अला नज़ल हाफिज़ कहा जाता है, यानी हरफ जार के महल पर एक मनसूब है, मगर मानन उसमें हरफ जार से मजरूर होने के माने पाए जाते हैं। इस मजरूर इसम को मनसूब कर देंगे जिससे पहले हरफ जार को गिरा देते हैं, ये कायदा है, जैसा कि कुरान करीम की मिसाल है वख्तारा मूसा कौमहु सबईना रजुला, जैसा कि इसमें मिन कौम ही से था असल में, वख्तारा मूसा कौमहु सबईना रजुला, उसने अपनी कौम में से 30 रजल चुने थे, 30 मर्द चुने थे, सत्तर इंसान चुने थे, मर्द चुने थे, सारी कौम को 70 बना के नहीं रखा था। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल मोहम्मद साहब ने कुरान करीम से निकाली है, ये किसी बहस सरफ नाफ की किताब में मजकूर थी, नीचे उसका हवाला है। अच्छा, माखूज अज क्या है, इससे पहले क्या लफ्ज़ है, मौसूअत, मौसूअ, ठीक है, साइक्लोपीडिया जी, मौसूअत सर्फ व नहव, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सर्फ व नहव में ये मिसाल दी गई है कि कुरान करीम में जैसा कि फरमाया मूसा वख्तारा मूसा कौमहु सबईना रजुला, इसमें मिन मूसा असल है, और जब मिन को मौज़ूफ़ कर दें तो अरबी के लिहाज से उस हिस्से को जिस जो मजरूर होना चाहिए था उसको मनसूब कर दिया जाता है, तो वख्तार मूसा कौमहु सबईना रजुलन। तवज्जह तो मक्का था कहते हैं, तवज्जह तो इला मक्का था होना चाहिए था, तो तवज्जह तो मक्का था में भी इला महजूफ है जो एक और हरफ जार है। जहाब तो शामा कहते हैं, मैं शाम गया, उर्दू में भी हम बिल्कुल इसी ही सलूक करते हैं, शाम की तरफ गया कहना चाहिए था, शाम गया तो नहीं कहते, लेकिन मुस्तमल हो चुका है, मगर मुराद ये है मैं शाम की तरफ के अल्फाज हजफ हैं, जहाब तो इला शाम चाहिए था। बस इस पहलू से इम्कान है बहरहाल
कि तर्जमा किया जाए और ऐसा करना जायज़ होगा, इसे गलत नहीं कहा जा सकता। गुज़श्ता लोगों ने क्यों इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, इसका तर्जमा क्यों नहीं किया, इसलिए कि उनके नज़दीक जदल करने में हर दूसरी चीज़ से बढ़कर इंसान है, ये इंसान की सिफत है, यानी बहसियत इंसान उसमें जैसा जदल पाया जाता है उससे दुनिया की किसी मखलूक किसी चीज़ में भी नहीं पाया जाता। ये तर्जमा भी दुरुस्त है और बिल्कुल ठीक सादिक आता है, लेकिन अक्सरा शैन जदला में एक और बात भी है कि हर चीज़ में वो जदल नहीं करता, अपनी मर्ज़ी की चीज़ों में जदल करता है और दूसरी बातों को कबूल करता है, बेवजह जदल नहीं करता। ये तो नहीं कि हर बात में झगड़ता ही चला जाता है, जहाँ अपने मकसद के ख़िलाफ़ बात हो वहाँ ज़रूर झगड़ालू हो जाता है, जहाँ अपने मकसद के हक़ में बात हो वहाँ खामोश हो जाता है। इसलिए मैंने अक्सर शायन का तर्जमा किया था कि अक्सर बातों में वो झगड़ालू होता है। इस अक्सर बातों के लिहाज से इंसान का अल इंसान का एक और माना भी लिया जा सकता है कि हर इंसान अक्सर बातों में झगड़ालू नहीं है। एक ये वजह भी थी जिसकी वजह से मुझे मेरे दिल में कुछ तरद्दुद था कि अल इंसान में इंसान कामिल भी शामिल है, यानी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आपको सबसे बड़ा आपकी जो तारीफ़ का एक खराज दिया जा सकता है, खराज तो खुदा तआला की तरफ से मुनासिब नहीं कहना, जिस कदर भी बढ़ कर किसी की तारीफ़ मुमकिन है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ लफ्ज़ अल इंसान के ताबे आपको रखते हुए की गई है। तो अगर अल इंसान से मुराद जिनसे इंसान हो और ये कहें कि इंसान की जिन्स हर दूसरी चीज़ से बढ़कर झगड़ालू है, तो इस जिन में मोमिन भी आ जाएंगे फिर, और मोमिनों में सबसे बढ़कर अंबिया और अंबिया में सबसे बढ़कर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वजह जो बता रहा हूँ आपको कि क्यों मैं बार बार उस तरफ जा रहा था, उसमें यह तरद्दुद की वजह थी। इसका अगर वो तर्जमा किया जाए अक्सर शैन जदला पहला, तो फिर एक सूरत मुमकिन है कि अल इंसान को वो इंसान उन इंसानों पर इतलाक़ किया जाए जो काफिर और खुदा के रास्ते से हटे हुए हैं और वो झगड़ा करते हैं बहुत, वो हर दूसरी चीज़ से बढ़कर झगड़ालू होते हैं। ये माना काबिल कबूल है और मुमकिन भी है। बस अगर पहले माने को आपने लेना है तो उसका ये तर्जमा समझें कि अल इंसान जिसमें से पहलों का जिक्र चला गया, शयातीन के साथ लगने वाले दूसरे बदकिरदार लोग जितने भी हैं जो खुदा के रास्ते से हट जाते हैं, वो इंसान है जो हर दूसरी चीज़ से ज़्यादा झगड़ालू है। और दूसरा माना ये होगा कि इंसान बहसियत इंसान जिन्स के तौर पर अक्सर चीज़ों में झगड़ता है। अब अक्सर चीज़ों में झगड़ना जो है ये ज़रूरी नहीं कि बदी के मानों में, अगर हमने ये तर्जमा किया तो लाजमन इसमें भी फिर आगे एक गुंजाइश रखनी पड़ेगी नेकों के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अंबिया के मुतालिक लफ्ज़ जदल आया है खुदा के ताल्लुक में, उन्होंने बाज़ कौमों की हमायत में दुआ के तौर पर बहुत जदल किया है। तो यहाँ जदल का माना आला दर्जे का अगर लिया जाए तो फिर ये बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। इंसान में जदल पाया जाता है जैसे इंसान में जुल्म पाया जाता है, अल इंसान में नेक बात मानों में भी सबसे ज़्यादा जुल्म पाया जाता है, क्योंकि रसूल सल्लम को फरमाया जुलूमन जहूला, और बुरी बातों में भी सबसे ज़्यादा जुल्म पाया जाता है। इस पहलू से ये माना बनेगा कि इंसान बहसियत जिन्स ऐसा है कि वो अच्छी बातों में भी फिर खूब झगड़ता है, और नेकी के हसूल के लिए और नेक दुआओं में वह खुदा तआला से वैसे शुरू कर देता है, और जहाँ बद इंसान का ताल्लुक है जहाँ तक वो बदी में खूब झगड़ालू है। इन पहलुओं से फिर ये दोनों बातें ये दोनों तर्जमे काबिल कबूल हो जाते हैं। व रब्बुकल गफूर ज़ुर्रहमा, और तेरा रब बहुत बख्शने वाला है
और रहमत वाला है। लो युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुम अज़ाब, अगर वो पकड़ता इनको यानी इंसानों को या जानदारों को जो कुछ भी वो करते हैं जो कुछ वो कमाते हैं, मुराद है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी गलतियों से पूर होती है कि कानून कुदरत के लिहाज से भी अगर खुदा ताला जानवरों पर रहम ना फरमाता को वो तो फना हो चुके होते। गुनाहों के लिहाज से भी इंसान की अगर गुनाहों पर पकड़ होती तो वो कभी के ख़त्म हो चुके होते। तो अल्लाह बहुत गफूर है, बहुत बख्शने वाला, बहुत रहमत वाला है। अगर वो पकड़ता लअज्जल लहुमुल अज़ाब तो उनके लिए अज़ाब जल्द ले तर ले आता। बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, लेकिन उनके लिए एक वादे का वक्त मुकर्रर है। लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, वो उससे एक तरफ बच कर निकल नहीं सकते, उससे आगे बच कर नहीं निकल सकते, वहाँ पहुँचेंगे तो पकड़े जाएंगे। अब इसमें एक मुश्किल ये दरपेश है कि अगर गफूर और रहमा का उनवान हो तो यहाँ ये माने नहीं लिए जा सकते कि सब का पर ऐसा गफूर और रहमान है कि गुनाहों में उनको आगे बढ़ने देता है और इंतज़ार करता है कि वहाँ पहुँचें तो फिर उनको पकड़ ले। ये मज़मून अलग है, इसका दूसरी जगह ज़िक्र है। ये उनवान जो लग गया है रब्बुकुल गफूर ज़ुर रहमा, तो इससे मुराद ये है उनको मोहलत इस्लाह की देता है और उनके लिए इस्लाह मुमकिन भी है, सवाए इसके कि वो उस मौत तक पहुंच जाएं जो उनका आखिरी मकाम है, उससे आगे फिर बढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। तो वो जो था ना कि हम बदों को मोहलत देते हैं इसलिए कि वो जो कुछ बदअमाल करने कर लें, यहाँ ये मज़मून नहीं है। यहाँ ये है इंसान को मोहलत देते हैं मग़फ़रत की वजह से और रहमत की वजह से, हालांकि हर कदम पर उसके गुनाह इस बात का तकाजा करते हैं कि उसे हलाक कर दिया जाए। उसके बावजूद उसको जो मोहलत दी जाती है तो उसके लिए ये इम्कान खोल दिया जाता है कि वो आखिरी मौत है, उससे पहले पहले शायद वो मायल बतौबा हो जाए, शायद वो खुदा की तरफ मुतवज्जो हो जाए, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर उस वक्त से आगे फिर बढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। वह तिलकुल कुरा अहलक ना हम लम्मा ज़लम हो वह जालना ले महली के हम मौदा, और ये बस्तियाँ हैं जिनके रहने वालों के लिए जिनको हमने हलाक कर दिया, जिनके रहने वालों को लम्मा ज़लम हो जब उन्होंने जुल्म किए। वह जालना ले महले के हम मौदा, और उनकी हलाकत के लिए भी हमने एक मुअय्यन वक्त मुकर्रर कर रखा था। तो ये दूसरा मज़मून है जो पहले मज़मून के अलावा है। इन बातों के बावजूद बाज़ लोग हैं जो जुल्म में इतना बढ़ चुके होते हैं कि उनके लिए वापसी मुमकिन नहीं होती, उनको भी खुदा छोड़ देता है और मौत तक जब तक नहीं पहुंचते उस वक्त तक उनको हलाक नहीं करता। वज़ ख़ाल मूसा फ़तह हो, अब यहाँ से वो दूसरा मज़मून शुरू हो गया ज़ुल्क़रनैन से मुशाबे, जो बातें पहले मैं आपके सामने रख चुका हूँ। मैंने कहा था कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो बुज़ुर्ग हैं जो कशफ़न आ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाए गए थे, और उसका तस्करा अब यहाँ से शुरू होता है। इज़ क़ाल मूसा लिफ़तह, जब मूसा ने अपने जवान से कहा, हज़रत मूसा का जवान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, यहाँ सियाक़ो सबाक़ बता रहे हैं, लाब रहो हत्ता अब लोग मजमा बहरैन है, कि मैं तो बाज़ नहीं आऊँगा जब तक मजमा बहरैन तक न पहुँच जाऊँ जहाँ दो समुद्र मिलते हैं। मतलब मेरी शरीयत की हद वहाँ तक है जहाँ तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत शुरू होगी, यानी आने वाली शरीयत जिसकी खुशखबरी दी गई थी, तो वहाँ तक तो मैंने चलना ही चलना है। और नौजवान को जब कहा था मूसा ईसा को, तो उस वक्त चंद सौ साल बाकी रह गए थे शरीयत ख़त्म होने में एक मुकम्मल तौर पर, और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लम की शरीयत के आगाज़ तक। तो ओ अमजी हुकबा, या मैं सदियों तक चलता, हाँ मुझे सदियों चलना पड़े। मुराद ये है कि हज़रत ईसा के वक्त से लेकर मजमा उल बहरैन तक का फासला चंद सदियाँ था,
और हज़रत मूसा कहते हैं कि मेरे लिए तो खुदा की तरफ से मुकद्दर है, उस मकाम तक तो मैंने पहुंचना ही पहुंचना है जहां फिर दूसरी शरीयत का आगाज़ होगा। ये बात कहकर चल पड़े। फलम्मा बलगा मजमा बैनहिमा, बस वो जब उस जगह पहुंचे जहां उन दोनों समंदरों के मिलने की जगह है, मजमा है वहां, नसे या होता हुआ अपनी मछली वहां भूल गए। फतखजा सबीरा हु फिल बहर सरबा, तो वो समंदर में चलती हुई दूर निकल गई। फलम्मा जावजा काद फताह आते ना गदा आना, अब कहा था मैं वहां तक पहुंचूंगा जो हद है, उसे तजावज़ कर गया है अब उनका दीन, यानी उनकी बाकियात रसूल सल्लम की हद से आगे बढ़ गई हैं, मगर उनकी हालत यह है कि रूहानी गज़ा ख़त्म हो चुकी है। इसलिए ये कशफ जो है ये बता रहा है कि जब वो फलम्मा जावजा उससे भी आगे निकल गए, तब अपने जवान से यानी हज़रत ईसा से हज़रत मूसा ने फरमाया कि आते ना गज़ा आना, अब हमारे लिए रूहानी गज़ा जो भी या गदा से मुराद है वो है वो लाओ। लक़द लकीना मिन सफ़रना हाजा नसबा, ये जो सफ़र है हमारा ये तो महज थकावट ही थकावट है, यानी असल मकाम से आगे बढ़ गए थे, अब महज एक बोरियत का सफ़र है, एक किस्म की वो है जो ड्रजरी, असल मकसद से आगे निकल चुके हैं। तो कहते हैं अब भूख भी लगी है लाओ। उस पर काला आ रहा था इस अवैना इल सखरत, उन्होंने कहा क्या तुझे याद है, तूने देखा नहीं था, इस अवैना इल सखरत जब हम चट्टान तक पहुँचे थे, इन्नी नसीतुल हूता, तो मैं वहाँ अपनी मछली भूल गया था, रात ही हम दोनों की, वह माँ अनसानी हो इल शैताना और शैतान ठहरे इल शैतानों, और मुझे मां इंसानी हो मुझे इस ये बात नहीं भुलाई मगर शैतान ने, क्योंकि शैतान के भुलाने से फिर शरीयत हाथ से जाती रहती है और रूहानी गज़ा हाथ से छूट जाती है। अनस्कुर रहूँ कि मैं याद करूँ, उसको याद रखूँ, अपने साथ रखूँ। वत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरे अजबा, और वो मछली अजीब तरीक से समंदर में अपनी राह बनाती हुई निकल गई। काला जाले का माँ को नन्न बगे, मूसा का यही तो था जो हम चाहते थे मालूम करना, इसी मकसद के लिए तो चले थे कि वो मजमा बहराइन है क्या, कहाँ जाकर हमारी हद ख़त्म होती है शरीयत की और आगे क्या होगा, इस तजुब में तो मैं चला हूँ। तो वो कहते हैं माँ को नन्न फर तद्दा आला आसार माँ कसासा, तो अपने नकूश का खोज लगाते हुए वापस चल पड़े हैं अब उस मकाम तक जहाँ वो नई शरीयत का आगाज़ है। अब ये जो नक्शा है इससे पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लम के ज़माने के बाद की जो हालत है यहूद और ईसाइयों की, उस वो पहले कशफी तौर पर हज़रत मूसा को दिखाई गई है, वहाँ जब कुछ नहीं पाया सब खाली हो चुका था, फिर लौटे हैं मजमा बहरैन की तरफ ताकि पता तो करें कि शरीयत कहाँ ख़त्म हुई थी और कहाँ रूहानी रज़ा हाथ से जाती रही। उस वापसी के सफ़र के बाद जब वहाँ पहुँचे हैं तो फिर क्या देखा, फवजदा अब्दम में निबादना, वहाँ एक हमारा अब देखा मैं निबादना, यहाँ अब्दन ताज़ीम का कलिमा है ना कि अमूमियत का, क्योंकि अब्दन का मतलब एक यह है बंदों में से अपने बंदों में से एक बंदा, और एक मतलब है अपने बंदों में से एक अजीमुशान इंसान, वही बंदा है। ये दूसरे माने भी नकिरा में पाए जाते हैं और इस महल पर यही माने बनते हैं, क्योंकि इसके बाद का आने वाला मज़मून बता रहा है कि मूसा भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे। जैसे कहते हैं शहरों में एक शहर लाहौर है, इसी तरह बंदों में एक बंदा था जो उनको मिला वहाँ। वहाँ भी यही अब्दन है, यानी नकरा में रसूल अल्लाह सल्लम का जिक्र लेकिन अजीमुशान बंदे की हैसियत से। अरायतल यन हा अब्दन इजा सल्लाह, क्या तूने देखा नहीं ऐसा शख्स
जो अब्द को मेरे एक बंदे को रोकता है जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है, तो यहाँ अब्दन वही अब्दन है जो यहाँ अब्दन मजकूर है। आतैना हो रहमतम मिन इंदिना, और रसूल सल्लम को रहमतुल आलमीन करार देना ये मज़ीद निशानदही कर रहा है कि वो कौन थे। और रहमतन का माना भी वही होगा कि अजीमुशान रहमत दी थी जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। वो अल्लम ना हो मिल्ला दुन्ना इल्मा, कुरान करीम की जो दुआ है रब जिदनी इल्मा या मिल्ला दुन्ना इल्मा, वो कौन सी है? नहीं मेरा दोनों रुश्ता है, वो दूसरी जगह जितनी इल्मा तो है ना, मगर मिल्ला दुना इल्मा नहीं आता। मिल्ला दुन का रुश्ता रुश्ता भी तो है ना, आते ना मिल्ला दुन का रुश्ता। हाँ हई लेना अमरे ना रशादा है, रुश्ता नहीं, लेकिन रुश्ता भी कहीं है मालूम नहीं है, वो देख लेंगे बाद में। वो जो आयत हम तिलावत करते हैं अक्सर, वह हय्य लना मिन अम्रिना रशदा, तो रशद का माना भी अक्ल और हदायत होती है, उसमें इल्म भी दाखिल हो जाता है। मगर ज़ब्बे जिदना इल्मा की दुआ तो बहरहाल कुरान करीम इसी तरह मौजूद है। बस ये दोनों इलामतें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी हो रही हैं। अभी पढ़ते हैं इसको। हाँ वजद अब्द मिन वादिना आतैना व रहमत मिन इंदिना व अल्लम ना हो मिल्ला दुन्ना इल्मा, यह आपकी उम्मीद की तरफ इशारा है जो बाकी अम्बिया के से आपको मुमताज़ कर रही है। यानी तमाम तर उलूम अल्लाह ने ख़ुद सिखाए जिसमें कोई नबी शरीक नहीं है, तो इससे बढ़कर खुला एतराफ़ या ऐलान कि यहाँ रसूलुल्लाह मुराद हैं और क्या हो सकता था। तमाम सिफात आपकी बयान की जा रही हैं, हालांकि हज़रत मूसा को भी अल्लाह ने इल्म दिया था, मगर आपके मुकाबले पर लगता था कि सिर्फ इन्हीं को मिला है, और बाकी सारी बातें यही साबित कर रही हैं कि अगर इल्म की बात है तो मूसा के मुकाबले पर जब रसूल सल्लम का इल्म देखा जाए तो लगता है सिर्फ आप ही को मिला है, मूसा को कुछ भी नहीं मिला। हालाँकि ये मुआजने की बात है, ये मुराद नहीं कि कुछ भी नहीं मिला, जितना था रसूलुल्लाह सल्लम के सामने जब रखा जाए तो वो लाइल्मी बन जाती है। काला लहू मूसा हल्लतबियो का अला अंतुअल्लिमन मिम्मार उल्लिमता रुश्ता, ये रुश्ता था जो मेरे जहन में आ रहा था। हल्लतबियो का अला अंतुअल्लिमन, मूसा ने कहा क्या इजाज़त है मुझे इस बात की कि मैं आपके पीछे चलूं या मैं तेरे पीछे चलूं? अलान तुअल्लिमने, ताकि तू मुझे सिखाए, मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, उन हदायत की बातों में से जो तुझे सिखाई गई हैं। इल्म भी आ गया और रुश्द भी आ गया, दोनों इकट्ठे हो गए। अब साफ पता चलता है कि उस मकाम से जहां शरीयत मूसवी ख़त्म है आपको कदम आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कशफी तौर पर भी जब आप आगे जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लम की इजाज़त से आगे जाते हैं। है कशफ, लेकिन वहाँ भी ये अदब का तरीक़ा खुदा तआला ने कायम रखा है कि मूसा की को इजाज़त मजाज नहीं था इस बात के कि कशफ में भी रसूलुल्लाह की इजाज़त के बग़ैर आगे कदम रखे। आपने ये फरमाया क़ाल इन्नका लन तस्ततिया माया सबरा, कि तेरा दौर और है, मेरा दौर और है, जो मुझे इल्म अता हुआ है उस पर तुझे सब्र की ताकत नहीं। इन वो ऐसा इल्म है जिसमें खुदा ताला की मार्फतों को समझने के लिए और ना भी समझ आएँ तो उस इंतज़ार के लिए कि कब वो खुद ज़ाहिर होंगी, गैर मामूली सब्र की ज़रूरत है, और तुझ में वो सब्र नहीं है जो तुझे मेरा जलीस बना सके, मेरा सफ़र का साथी बना सके। व कैफ़ा तस्बिरु अला मालम मालम तोहित बही खुबरा, और ये कहकर फिर बात को नरम करके समझाया गया है कि किस तरह तू सब्र कर सकेगा उस बात पर जिस पर इल्म के एतबार से तू अहाता नहीं कर सका।
यानी तुझे ऐसा इल्म दिया गया है जो बाद ऐसे अमूर हैं उनके ऊपर हावी नहीं हो सका, जुज़वी इल्म है। और जिसको जुज़वी इल्म हो वो उन अमूर में सब्र नहीं कर सकता, क्योंकि जो बातें पता ही नहीं उस पर उसको घबराहट होती है। लेकिन जिसको मुकम्मल इल्म दे दिया गया हो उसको यकीन हो जाता है कि सब हिकमतों की बातें यहाँ मौजूद हैं, अपने वक्त पर खोली जाएंगी। तो ये दलील दी है आपके साथी ने, सतयुनी कैफा तस्बिर आला मालम तो है, जिस पर तू अहाता कर ही नहीं सका खुबरा इल्म के एतबार से। काला सतजदुनी इंशाअल्लाह साबिरन। हज़रत मूसा ने बड़ी नीयत नेक नीति से खुलूस से वादा किया है कि इंशाअल्लाह तू मुझे साबिर पाएगा। वला आती लका अमरा आसी लका अमरा, और मैं किसी मामले में भी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। ये शर्त पूरी करने के बाद, ये अहद बांधने के बाद आप आगे चलते हैं। तो नीयत पूरी कामिल है, इंशाल्लाह भी कह दिया है, मगर चूंकि इल्म का अहाता नहीं था इसलिए नहीं जानते थे कि मैं सब्र नहीं कर सकूंगा। यही आयत बता रही है कि आपको इतना भी पता नहीं था अपने मुतल्लिक कि मेरा इल्म और मेरा मिजाज लाजिमन मुझे बेसब्री पर उकसाएंगे। और वादा बड़ी नीयत से कर लिए, पाक नीयत, अल्लाह का नाम लेके, इंशाल्लाह मैं कभी भी बेसब्री नहीं करूँगा। और अगली बात देखें कितनी जल्दी बेसब्री शुरू हो जाती है। खाला इन तबातनी फला तसअलनी अनशैन हत्ता ओद सलहू मिनु जिक्र लका मिनु जिक्रा। आपने ये फरमाया फ़ैन तबातनी, बस अगर तूने मेरी पैरवी करनी ही है, फला तसअलनी अनशैन, हरगिज़ मुझसे किसी चीज़ के मुतल्लिक कोई सवाल नहीं करना। हरगिज़ का माना लफ्ज़ों में तो नहीं है मगर मफहूम में दाखिल मालूम होता है। तो शर्त यह है, मतलब है बस शर्त यह है कि फिर मुझसे सवाल नहीं करना होगा। हत्ता ओदेसा लका मिनहु ज़िक्रा, यहाँ तक कि मैं ख़ुद उसके मुतल्लिक कोई ज़िक्र करूँ यानी वजाहत पेश करूँ। सवाल कर कर के पूछ पूछ के बातें निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर आप रवाना होते हैं, अब अगली तलावत शुरू होनी है, ठीक है ना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نمرا لقد جئت شيئا نمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا
ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطيع تستطيع نہیں تے حذف ہو گئی ہے اصل میں تو ہے نا چونکہ اس لیے وہ پڑھی گئی حذف ہو جی اس میں تستطیع کی بجائے تستے ہے جہاں تے حذف ہو جا کرتی ہے ایسے موقع پہ ایک دفعہ میں بعض جگہوں پر تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اچھا وہ آپ نے میری توجہ دلائی. میں نے آج تک پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا ہے یہ کہ میں جو اس تلاوت کرتا ہوں نا اپنے اس میں تستطیع پڑھا کرتا تھا اس کو بہت سارا نظر کو عادت نہیں رہ پکڑنے کی خیال نہیں پیدا ہوتا اگر عادتاً ایک تلفظ جاری ہو چکا ہو. یہ بھی موقعوں میں سے ایک ہے. اس نے جواب دیا قالا فین تباتنی پس اگر تو نے میری پیروی کرنی ہے تو مجھے کس مجھ سے کسی بارے میں سوال نہ کرنا. یہ میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں لیکن تعلق ملانے کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. یہاں تک کہ ان باتوں میں سے کسی کی میں خود وضاحت کروں. پس وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک مخصوص کشتی پر سوار ہوئے. یہاں کشتی سے مراد فی السفینہ خرقہا میں السفینہ ہے جس کا میں نے ترجمہ مخصوص کشتی ارادتاً کیا. کوئی کشتی نہیں تھی بلکہ کسی قوم کی طرف اشارہ ہے جس کی وہ کشتی ہے. خرقہا اس کی پھٹیاں ادھیڑ دیں. خرقہا کا مطلب ایک ہے سوراخ کر دیا, البعض لوگ لے لیتے ہیں کہ اس میں سوراخ کر دیا. بعض ہے ایک ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اسے ادھیڑ دیا خراب کر دیا یا توڑ دیا. تو خرقہا سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پھٹیاں اکھیڑی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ دھوکے سے اس میں سوار ہو جائیں اور ڈوب جائیں. اس لیے جو نتیجہ حضرت موسیٰ نکالتے ہیں وہ بھی غلط ہے. قالا خرقتہا لتغرق اہلہا کیا تو نے اس غرض سے پھٹیاں ادھیڑی ہیں کہ لوگ وہ اس کے جو چڑھنے والے میں ڈوب جائیں. تو اگر پھٹیاں ادھری ہوئی دکھائی دیں تو کون چڑھے گا اس پر؟ اس لیے وہ سوال ہی غلط ہے. ہاں اگر سوراخ ہو تو پھر یہ خطرہ ہو سکتا ہے اور واقعتاً ڈوب بھی سکتے ہیں چڑھنے والے, کیونکہ سوراخ دکھائی نہ دے وہ کشتی لے کر آگے بڑھ جائیں اور پھر سوراخ میں سے پانی آ کے کشتی کو ڈبو دے. تو میں نے اس کی جو لغوی تحقیق کی تھی میرے نزدیک یہی ایک ترجمہ درست ہے کہ اس کی پھٹیاں اکھیڑ دیں. قالا خرقتہا لتغرق اہلہا اس نے کہا کہ تو نے اس غرض سے اسے پھاڑ ڈالا ہے. خرق کا مطلب پھاڑنا بھی ہے. تو نے پھٹیاں ادھیڑ کے اس کو پھاڑ ڈالا ہے. لتغرق اہلہا تاکہ تو اس کے کشتی والوں یعنی اہلہ سے مراد کشتی والے ان کو غرق کر دے. لقد جیت شین امرا تو نے تو بہت ہی خطرناک بات کی ہے یہ. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا اس نے جواب دیا کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ تو ہرگز میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھے گا. اور وہ بات پوری ہو گئی. اس کے باوجود موقع دیا ہے. یہ کیوں؟ یقین تھا فرمایا ہے لن تستطیع معی صبرا پھر بھی موقع دے دیا ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ کیوں جناب آفتاب صاحب؟ ہاں یہ ہے بالکل ٹھیک ہے.
इसी तरह मैं इशारा करना चाहता था, मुकमर साहब सही समझे हैं कि रसूल सल्लम दूसरे को कह रहे हैं कि तुम्हें सब्र नहीं, तो अपना सब्र देखो कितना अजीम है, आप ही अहल नहीं ये कहने के कि तुझमें वो सब्र नहीं है, कि बावजूद कती इल्म के हर दफ़ा सच्चा साबित होते हैं फिर भी मौका देते चले जा रहे हैं। आगे आता है, काला ला तो आखिरनी बेमा नसी, तो जो बात मैं भूल के कह गया हूँ ना इस पे ना मुझे पकड़, गलती हो गई। वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, और मेरे मामला में सख्ती ना कर, मुझे मुशक्कत में ना डाल। उसर कहते हैं तंगी मुशक्कत को। और कश्फन कश्फन जो रसूलुल्लाह सल्लम दिखाए जा रहे हैं, आपको इल्म है यकीन है लन का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था अगर कतियत ना हो, कि हो ही नहीं सकता कि तू सब्र कर सके मेरे साथ, क्योंकि तेरा इल्म ही वो नहीं है जो जो है, मेरा इल्म है। उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई, फन तलाका, फिर वो दोनों चल पड़े। हज़रत ईसा तो पीछे रह गए हैं ना, मजमल बहरान पे छोड़ दिए, वो वहाँ ख़त्म है, हज़रत ईसा फिर साथ नहीं चलते, साहिब शरीयत का साहिब शरीयत से मुआवजा हो रहा है ना। हज़रत ईसा तो साहिब शरीयत नहीं थे, शरीयत मूसवी के अंदर उनका हक़ था कि आपकी मुताबियत में चलें, उसके बाद साहिब शरीयत का साहिब शरीयत से मुआवजा हो रहा है कि क्या था। फन तलाका, बस वो दोनों चल पड़े, हत्ता इज़ा, देखा उसका जिक्र भी कोई नहीं, फिर उस गुलाम का पीछे रह गया, वहीं ख़त्म हो गया किस्सा। खुद गुलाम बन गए ना। हाँ खुद गुलाम बन गए, नहीं गुलाम बन जाना चाहिए था। फन तलाका, बस वो चल पड़े, हत्ता इज़ा लकिया गुलामन, यहाँ एक गुलाम को देखा है, ये और गुलाम है कोई, फ़क़तलहू, तो उसे आपके सब कश्फी साथी ने कत्ल कर दिया। काला कतलता नफ्सन ज़कियतन बग़ैर नफ्सन, क्या तूने एक पाक नफ्स को बग़ैर इसके कि उसने किसी नफ्स की जान ली हो, बग़ैर नफ्सन यानी नफ्स के कत्ल के बदले में, बदले में मुराद है, उसे कत्ल कर दिया है। लक़द जेता शैन नुकरा, पहले तो था ना बहुत सख्त बात की है बड़ी, अब ज़रा थोड़ा सा इसमें वो कंडमनेशन का भी हल्का सा पहलू आ जाता है कि तूने बहुत बुरी बात की है, ये तो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत बुरी बात है। इस पर भी साथी ने कहा, इतना कहा सिर्फ, काल अलम अकुल्ला का इन्ना का लम तस्ती है माया सब्रा, क्या मैंने कहा नहीं था तुझे कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। उस पर एहसास नदामत पैदा हुआ है, काला इन साल तो कानशैन बादा, बस अगर इसके बाद मैं कोई सवाल करूं फला तो साहिब नहीं, फिर मुझे साथ ना लेना, साथ ना रखना। कद बलगता मिल्लत नहीं उजरा, तू मेरे बारे में आखिरी उजर तक की हद तक पहुंच चुका है, यानी मुझ पर हुज्जत तमाम कर दी है तूने। अब देखें सब्र नहीं टूटा रसूल सल्लम का, उनसे खुदा ने कहलवाया है, हजरत मूसा से खुद ही कहते हैं कि आपने मुझे फिर रखना साथ। तो ये रसूल सल्लम के सब्र की याद नहीं है, उनको इतना इतनी शर्मिंदगी हो गई है बार बार की गलती की वजह से कि वो खुद पेशकश कर रहे हैं कि अच्छा फिर अब उसके बाद मुझे छोड़ देना, बस अब मुझे ज़्यादा आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं है। फन तलाक़ा हत्ता इज़ा अता या आहला करियतन इस्तत अमा आहला, यहाँ तक वो आगे बढ़े, यहाँ तक के एक ऐसी बस्ती वालों के पास आए, आहला करियतन इस्तत अमा आहला, उन्होंने ताम मांगा है, ताम होता है खाने को कहते हैं, और इस्तत अमा का मतलब है उनसे खाना तलब किया, उनसे ताम मांगा, आला उसके अहल से, फ़बो अयुदयफ़ूहुमा, उन्होंने इनकार कर दिया कि इन दोनों को वो खाना खिलाएं। फ़वजदा फ़ीहा जिदारन, वहाँ उन्होंने एक दीवार देखी, युरीद अयनक़द्दा, जो गिरा ही चाहती थी, फ़अकामहू, बस उसे खड़ा कर दिया, फिर उसने यानी उन उस बुज़ुर्ग साथी ने जिसके साथ हज़रत मूसा ने चलने की इजाज़त मांगी थी, काल लौ शे तला तखस्ता अजरा,
उन्होंने कहा अगर तू चाहता, अब यहाँ कुछ पहली निदामत का एहसास जारी है, अब सख्त कलमा कोई नहीं बोला कि मैं, आप चाहते हो तो ये भी हो सकता था लेकिन आपने, आपका ख्याल नहीं किया इस तरह, ये भूखे हैं, इनकार कर बैठे हैं, तो हम उनसे कुछ मांग ही लेते इसके बदले। उस पर फिर आपने फरमाया काल हाजा फिराकु बैनी व बैनिक, ये तेरे और मेरे दरमियान जुदाई कलम है, वो जगह आ गई जहाँ मुझे तुझसे अब जुदा होना है। सो उनब्बे का बे तावील मालम तस्तः अलह सबरा, बस मैं अब ज़रूर तुझे वो वजह हिकमत बयान बताऊँगा, तावील उसकी तावील उसकी हिकमत, मालम तस्तः अलह सबरा, जिस पर तू सब्र नहीं कर सका, यानी जिन बातों पर तू सब्र नहीं कर सका, अब मैं उनकी हिकमत बताऊँगा। अब ये जो सारा मुहिमा है ये हल तलब है, अभी अभी तक कोई भी कतियत के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि इन तीनों तमसीलों में क्या कुछ मुराद है, लेकिन कुछ इशारे ज़रूर मिलते हैं। एक बात जो आखिर पर काबिल गौर है कि यहाँ भी एक दीवार का ज़िक्र है, और इससे पहले एक ऐसी दीवार बनाने का ज़िक्र है जो याजूज माजूज से हमला आवरों से एक कौम को महफूज करने के लिए बनाई गई थी, और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लम ने उस दीवार को दोबारा तामीर कर दिया है, यानी वो रोक जो थी वो दूर नहीं हुई बल्कि उसे और मोहलत दे दी गई। और कौम ऐसी है जिसने दोनों की मेहमान नवाजी से इनकार किया है, इससे मुराद बिल्कुल वाज़े ये है मेरे नज़दीक कि वो कौमें बुद्धिस्ट और दूसरी मशरक़ वईद की कौमें जिनमें ना ईसाइत पहुंची थी ना यहूदियत पहुंची थी ना इस्लाम पहुंचा, और एक लंबे अरसे तक उन्होंने इनसे इनके ख़िलाफ़ एक रद्द अमल दिखाया है और इनको अंदर पेनिट्रेट होने की इजाज़त नहीं दी। बस उस वक्त तक के लिए इनकी हिफाजत का इंतज़ाम किया गया है जब इनके लिए जो खुदा ने जो बाद के आला खुदा ताला की तरफ से रिज़्क़ के सामान हैं वो अपने पकने के मेयार तक ना पहुँच जाए, मुराद ये है उनके फल जब तक पक ना जाएँ, जब तक वो उनको अपने संभालने की सलाहियत ना रखें, उस वक्त तक इन कौमों को उन पर नफूज नहीं होगा, या नफूज होगा तो गलबा नहीं होगा, एक ये माना है। लेकिन इस माने के अतबार से फिर जब सारी तारीख़ का मुतालिया करेंगे तो उसमें कई सुकम दिखाई देंगे, कई खला नज़र आएंगे, उनको भरना होगा और ये देखना होगा कि क्या इस आयत का इतलाक़ बिलमूम तफसील के साथ हो रहा, तफसील के साथ हो रहा है या बिलमूम हो रहा है। अगर बिलमूम हो और वाज़े इलामतें दिखाई दें तो फिर वो तफसील जायज़ होगी, वरना नहीं। मगर एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि वो दीवार पहले बन चुकी है, जिस दीवार से बाज़ कौमों को हिफाजत होनी थी, वो दीवार हायल थी दो अजीम मज़ाहिब के नफूज की राह में भी, अगर से हिफाजत की खातिर थी, और उस वक्त अभी उनकी बारी नहीं आई थी कि उनमें नफूज हो सके, इसलिए उस दीवार को कुछ लंबा आगे चलाया गया है। फिर जब उस टूटेगी बिलाखिर याजूज माजूज के ज़िक्र में आके टूटेगी, दरअसल यहाँ याजूज माजूज का ज़िक्र बाद में आएगा और इस दीवार का पहले ज़िक्र है, लेकिन जब आप वो दीवार का ज़िक्र पढ़ेंगे तो फिर आपस में मिल जाएंगी दोनों बातें। तो ये मैं सिर्फ सोच के तौर पर आपकी सोच को व्यक्त करने के लिए अपनी ऊंची सोचें बता रहा हूँ, ऊंची आवाज़ में सोचें बता रहा हूँ। अभी ये मामले तहकीक तलब हैं, बात चीज़ों की मैंने तहकीक की है, बाज़ों की अभी मैं कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर तौफीक बख्शी तो इन बातों के मुतलिक ज़्यादा तफसील से फिर मैं किसी वक्त रोशनी डाल सकूँ। दीवार चीन का पूरा अभी तारीख़ी मुतालिया करना है, ये दीवार दरबंद का पूरा तारीख़ी मुतालिया करना है, फिर
यहाँ दो दीवारों का जिक्र है वो कौन सी हैं, उनके दरमियान का क्या इलाका, कौन सा इलाका है, ये चीज़ें भी सारी अभी तहकीक तलब है। इसके बाद इंशाल्लाह फिर किसी वक्त खुदा ने तौफीक बख्शी तो आपको बताऊँगा। काला हाजा फिराको बैनी व बैनक बैनक सनबे का बेतावील मालम तस्ते अलह सबरा अम्मा सफ़ीना तो वकानत ले मसाकीना। जहाँ तक कश्ती का ताल्लुक है तो बाद ऐसे मसाकीन की थी यामलूना फिल बहरे जो समंदर में काम किया करते थे, यानी वो समंदरी कौम थी। फारत तो अन आई बहा तो मैंने इरादा किया कि उसमें नक्श डाल दूँ। वकाना वराहुम मलिकुन उनके पीछे पीछे एक बहुत अजीमशान बादशाह है जो चला आ रहा है, मलिकुन में भी एक बहुत बड़ा बादशाह है। याखुज़ कुल्ल सफीनतिन ग़स्बा वो हर बहरी बेड़े पे कब्ज़ा कर लेता है। सफीना से मुराद एक कश्ती मुराद नहीं है, बल्कि मेरे नज़दीक ये मसला जो है इसका ताल्लुक अरब कौम की उन सलाहियतों से है कि वो बहरी सफ़र में बड़ा नाम पैदा कर चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लम के वक्त में भी अरबों को समंदरों पर एक बड़ी हद तक ऐसा अबूर था कि जो कम दूसरी कौमों को नसीब होता है, उस बड़े दूर तक समंदरों के सफ़र किया करते थे। और उनके बाद फिर हालात जब बदले हैं तो मगरबी कौमें समंदरी सफ़र के बादशाहों के तौर पर उभरी हैं, और इनमें भी आपस में बड़ी सख्त जेलसी थी, एक दूसरे से ख़तरनाक हसद पाया जाता था। यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे के बहरी बोड़ों को भी बर्दाश्त नहीं किया जब तक उनको मग़लूब करके उन पर कब्ज़ा नहीं कर लिया। अब स्पेनिश आर्माडा को जिस तरह तबाह किया है अंग्रेज़ों ने, और ज़्यादातर चूँकि अंग्रेज़ों का ताल्लुक अहमदियत के दायरे से होना था, यानी मसीह अलैहिस्सलाम ने इनकी सल्तनत में आना था, इसलिए यहाँ अव्वल तौर पर ये कौम मुराद होगी, वो बादशाह जिन्होंने बहरी बेड़ों पर कब्ज़ा करना ही करना था। और अगर ये उस वक्त अरबों पर कब्ज़ा कर लेते जब ये बातें दर्ज हो रही हैं, बयान हो रही हैं, तो उनको फिर अपनी जो खुदादाद ताकतें थीं या ख़जाइन थे उनसे इस्तेफादे का मौका ही नहीं मिलना था, वो पूरी तरह मग़लूब हो जाते इनके, तो उनमें दिलचस्पी ख़त्म हो गई। क्योंकि अरबों की के समंदरी सफ़र की बातें सिंदबाद जहाज़ी के किस्सों में तो मिलती हैं, अमलन उस दौर में जबकि इनको गलबा नसीब हुआ है बहरी ताकत के तौर पर, उस वक्त तक उनके पास कुछ भी नहीं रहा था। तो मेरे नज़दीक तमसीलन ये माना हो सकता है कि एक ऐसी सल्तनत अजीमुशान बादशाह ताकतवर आने वाला है जो दुनिया की जितनी बहरी कौमें हैं बहरी ताकत की, जब तक उन पर गलबा हासिल ना करे उसको चैन नहीं आएगा। और ये इंग्लिस्तान ही है जिस पर यह बात सादिक आती है, एक एक करके इसने तमाम बहरी कौमों के गलबों को ख़त्म कर दिया है और तन्हा रह गया है इस मैदान में। और जो सल्तनत रूस की थी उसकी भी कोई बहरी ताकत ना उस वक्त थी ना अब है, उसकी हैसियत बहरी ताकत के तौर पर थी नहीं, इसलिए वो बाकी रही है। जो दूसरी यूरोपियन ताकतें थी वो इनके मुकाबले पर वो मान पड़ गईं और वो बेताकत हो गईं, और अल्लाह ताला ने इनको अरबों पर उस ज़माने में कब्ज़ा करने से रोके रखा। इनको दिलचस्पी कोई नहीं थी, सिर्फ़ वो फ़लस्तीन वाले हिस्से तक लड़ाइयाँ थीं, वो अलग हिस्से में ज़िक्र आएगा, लेकिन बहरी ताकत के तौर पर मग़लूब करके उनके मुल्क पर कब्ज़ा करना, उनकी बहरी ताकतों को अपने लिए इस्तेमाल करना, ये वाक़या नहीं हुआ। वामल ग़ुलामों फ़काना अबवाहु मोमिनैन, जहाँ तक ग़ुलाम का ताल्लुक़ है वो ग़ुलाम ऐसा था कि उसके माँ बाप दोनों ही मोमिन थे। फ़कशीना युरहिक़हुमा तुग़यानुन व कुफ़्रा, तो हम इस बात से डरे कि कहीं युरहिक़हुमा तुग़यानुन व कुफ़्रा कि वो जवान बड़ा होकर ख़ुद अपने नेक वालदैन के ख़िलाफ़ सरकशी का रवैया अख्तियार न करे
और ना शुक्री से ना पेश आए। ये नहीं अभी तक मुझे समझ आई कि वो कौन है, वो कौन सी कौम है जिसके माँ बाप पर ये बात इतला पा सकती हूँ कि अबा और अजदाद दोनों तरफ से वो नेक थे और उनके जो आगे नस्लें थी उनकी, उनमें अपने बड़ों के ख़िलाफ़ भी और दीन के ख़िलाफ़ भी सरकशी के रुझान पाए जाते थे। इसको भी मैंने कहा तहकीक के लिए लिख दें लोगों को। फ़रदना युब्दिलहुमा रब्बुहुमा, कि उनका रब उन दोनों के लिए तब्दील कर दे खैर मिन्हु, उससे बेहतर, यानी उनको ऐसी औलाद अता फरमाए जो बेहतर हो, ज़कातम व अक़रबा रुहमा, वो ज़कात के एतबार से भी और इस एतबार से भी कि वो रहम की तरफ मायल बकरम हो। तो पाक, यहाँ ज़कात से मुराद वो सदका ज़कात वाली नहीं है, ज़े के साथ ये ज़कात है जिसका मतलब है पाकिजगी, मुज़क्की लफ्ज़ में भी यही ज़े इस्तेमाल होती है। तो मुराद ये है ज़कात यानी पाकिजगी के एतबार से और ज़्यादा रहीम व करीम होने के एतबार से वो उनके उनसे बेहतर उनको औलाद नसीब हो जाए। अब ये जो मसला है ये गौरतलब है वो जो एक अरब हैं जो जिन पर ये इस लिहाज से सादिक आ जाती है बात कि दोनों तरफ से वो नेकों की औलाद है, लेकिन फिर भी पूरी बात अभी तक बैठती नहीं। इन एक उनमें से हिस्से को हलाक करके इसलिए उनके ऊपर हलाकत आई कि बाद में उनसे बेहतर लोग उनमें से पैदा हो जाएं, लेकिन ये ऐसी बात है जो पूरी तरह दिल को मुतमईन नहीं करती। और करे भी तो जब तक हम दूसरों को मुतमईन ना कर सकें और क़ति दलील हमारे हाथ में ना आए उस तक वो मसला पेश करने के मजाज नहीं होते। वह अमल जिदारो फ़कान ग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना थे व काना ताहतहु कन्ज़ुल्लहुमा, और जहाँ तक दीवार का ताल्लुक है, वो दीवार जिसकी मैं बात कर रहा था, ये दो ऐसे ग़ुलामों के लिए थी जो यतीम थे। अब वहाँ एक जो पहला मंज़र है उसके एक बिल्कुल बरक्स मंज़र पेश हो रहा है। वहाँ माँ बाप अच्छे थे और औलाद के ख़राब होने का ख़तरा था, इसलिए जो बुरी औलाद थी उसको ख़त्म कर दिया गया इस उम्मीद पर कि बेहतर औलाद अल्लाह अता फरमाएगा। और दूसरी तरफ ऐसे दो ग़ुलाम हैं जो यतीम हैं और वो अभी अपनी इस बुलूगत को नहीं पहुँचे कि अपने अमवाल की खुद हिफाजत करें। उनके माँ बाप जो हैं वो भी सवाले थे, उनके भी अबू हुमा ना, एक अबू अब्बा का सिर्फ जिक्र है, अबवा का जिक्र नहीं। इसमें भी इशारा है लाजमन उन निशानदेही के लिए कि वो कौन लोग हैं। वो अबू हुमा सालेहा, उन दोनों का बाप साले था। फ़राज़ा रब्बू का यबलुगा अशुद्दा हुमा, बस अल्लाह ने इरादा फरमाया कि तेरा रब, तेरा फ़राज़ा रब्बू का, तेरा रब ने इरादा फरमाया कि वो अपनी बलूगत और पुख्तगी की उम्र को पहुँच जाएँ। वह यस्तख़रेजा कन्ज़ा हुमा, और अपने ख़जाने को ख़ुद निकाल सकें। रहमतम मिन रब्बिक, तेरे रब की रहमत के तौर पर। व मा फ़ालतुहु अन अमरी ज़ालिका तावील, अमरी मैंने ये बात अपनी तरफ से बयान नहीं की। ज़ालिका तावील मालम तस्तस्ते अलैह माता तस्ते अलैह सब्रा, ये वो तावील है मालम तस्ते अलैह, जिस पर तू ताकत नहीं रख सका कि सब्र कर सके। अब इसमें एक और इशारा भी हो सकता है, जो मुसलमान कौमें हैं उनमें दो कौमें ऐसी हैं जिनके पाँव के नीचे खुदा ताला ने तेल के ख़जाने रखे थे और वहाँ उनका एक ही बाप है यानी रसूलुल्लाह सल्लम। तो उस एक बाप की औलाद, पहले दो बापों की औलाद का ज़िक्र चल रहा है, उसे
बईद नहीं, अगर मजीद गौर किया जाए, तफावस किया जाए, तो बनू इसहाक और बनू इस्माईल मुराद हों। और यहाँ जो ज़िक्र है, वो ऐसी हालत को पहुँच जाएँ जबकि दोनों एक ही किस्म के होके बद हो चुके हों। यहाँ बाप साले है, वो एक बाप है, उसकी आगे औलाद दो हिस्सों में बटी हुई है, और उन दोनों के ख़जाने उनकी दीवार के नीचे हैं, एक दीवार के नीचे हैं। जब तक वो बड़े होकर उन ख़जानों से इस्तेफादे की ताकत नहीं रखते, उस दीवार को कायम रखा जाएगा, वो टूटेगी नहीं। इस पहलू से अगर वो दीवार, उस दीवार की तलाश की जाए, तो इस बात का इम्कान है कि वही दीवार जिसका मैंने पहले जिक्र किया था वही मुराद हो, यानी मादी दीवार नहीं बल्कि इख्तसादी भी नहीं बल्कि सियासी ताकत की वो दीवार जो शुमाली कौमों को जुनूब की तरफ बढ़ने से रोके रखे। और वो दीवार फिर वही बनेगी जो दमिश्क से शुरू होकर कुस्तुनतुनिया से गुजरते हुए तुर्की के आखिरी किनारे, मशरकी किनारे तक पहुँचती है। वह माँ फालतू अन अमरी। अच्छा एक मिनट रह गया अब, और एक ही आया था बस, ठीक हो जाएगा। वह माँ फालतू अन अमरी, मैंने ये बात अपनी तरफ से नहीं कही, नहीं की। ज़ालिक तावील व मालम तस्तते अलैहि सब्रा, और ये वो तावील है उस बात की जिस पर तू सब्र नहीं कर सका, सब्र की तुझ में ताकत नहीं थी। अब यहाँ एक और बात भी बड़ी दिलचस्प ये है, अमल जिदार फ़कान गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, तो ये जो पूरी आयत है इसमें हज़रत मूसा को मुखातब करते हुए ये नहीं फरमाया गया कि रहमतम मिर रब्बिक, यहाँ मिर रब्बिक में रसूलुल्लाह सल्लम खुद मुखातब हो गए हैं, यानी गोया कलाम बराह रास्त खुदा फरमाने लग गया। अब हज़रत मूसा को जो कहा गया था वो सिर्फ इतना था, अमल जिदार फ़कान गुलाम मैंने बाबू मसालेहा। अब यहाँ तेरे रब ने इरादा किया, हज़रत मूसा के ऊपर चश्मा हो ही नहीं सकता, इसलिए लाजमन यहाँ से बात कहने वाला खुद खुदा बरह रास्त हो जाता है, जो कुरान करीम में बारहा हुआ है कि एक ज़मीर को बदल कर कभी रसूलुल्लाह सल्लम बात कर रहे हैं खुदा टेक ओवर कर लेता है, कभी कोई और नबी बात कर रहा है तो अचानक अल्लाह ताला टेक ओवर कर लेता है, खुद बात शुरू कर देता है, यानी तर्ज बयान है कुरान करीम का ये। इस लिहाज से ये याद रखने की बात है, फ़ारादा रब्बो का यबलुगा शुद्दा हुआ, लाजमन रसूलुल्लाह सल्लम की उम्मत है, क्योंकि फिर तेरे रब ने इरादा फरमाया कि ये दोनों जिनका बाप साले है वो उस ताकत तक पहुँच जाए, बलूगत तक पहुँच जाएँ कि फिर वो उससे फ़ायदा उठा सकें। व मा फालतू अन अमरी, अब ये जुमला मुतरदा बीच में आया है, फिर रसूलुल्लाह सल्लम खुद मुखातब हो जाते हैं, यानी कशफी तौर पर जो ज़ाहिर हुए थे, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा किया। ज़ालिक तावील मालम तस्तय अलैहि सब्रा, ये है तावील उस चीज़ की जिस पर तू सब्र इख्तियार नहीं कर सका। फ़काना अबाह मोमिन, ये हो सकता है मक्का वालों की तरफ होकर पहले उनके जो ख़राब लोग थे उनको ख़त्म करके उनकी औलादें इस्लाम में दाखिल हों। जो नहीं, नहीं मगर अबाह जो है इसमें इब्राहिम और हाजरा नहीं, जो हुज़ूर ने फरमाया वो इब्राहिम और हाजरा के ताल्लुक में एक दूसरा हिस्सा हज़रत इब्राहिम की नस्ल का बिल्कुल नज़रअंदाज हो जाता है। ऐसे लोग जो बिल आखिर मिलजुल कर एक ही तरह के हो जाते हैं, उनके माँ बाप भी कह सकते हैं, और अबावै का मतलब दो बाप भी तो हो सकते हैं, अबाउजदाद में से दो, अगर ये माना लेंगे तो इसहाक और इस्माइल दोनों आ जाएंगे। अगर आपके वाला माना लेंगे तो इस्माइल और इब्राहिम दो बाप, इस सूरत में इस्माइल और उनके अब्बू इब्राहिम दोनों आले मक्का के बाप हैं।
हाँ लेकिन ये देखना है कि वो आयत का सियाक सबाक क्या कह रहा है। अगर तो अहले अरब में सिर्फ इन दोनों को शुमार किया, सिर्फ इस्माइली नस्ल को शुमार किया जाए, तो फिर बाकियों की खराबी वगैरह का कोई जिक्र उसमें नहीं आएगा। सिर्फ इस्माइली नस्ल के इल्हाद और उसकी खराबी का जिक्र होगा। और अगर अब देखते हैं ना दोबारा इसको, तो बाद में देखेंगे फिर, तो ये सियाक व सबाक पर गौर के बाद फैसला हो सकता है, ये ऑफ हैंड फैसला करना मुश्किल है। तो अस्सलाम वालेकुम।